हेलो फ्रेंड नमस्कार गुड मॉर्निंग मु प्रभाकर आपण देखुछंती ओडिया शक्ति टीवी आज नवंबर 28 तारीख चलन जाणी नबा आज दिन सबकि टॉप न्यूज अपडेट देश विदेश ठू आरंभ करी ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर जापरिवे से आपण को अनुरोध भिडटी शेष जाए निश्चय देखिए वीडियो को लाइक करेंगे जहाद्वारा आज दिन सबकि टॉप न्यूज अपडेट जापरिवे परवर्ती खबर विश्व जलवायु शिखर सम्मेलन में सामिल हेबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नवंबर 30 तारीख में यूएई गस्तरे जिबे नरेंद्र मोदी एवं विश्ववासी को संबोधित करिवे बोली खबर मिली। खबर ओडिशा राजनीति आसी एक बड़ खबर विजु जनता दल में जोगदे वीके पांड्यान मुख्यमंत्री नवीन पटनायक उपस्थित विधिवत भाव में बीजेडी सामिल होती पांड्यान फल बीजेडी एवं आहरी शक्तिशाली होइथिबार खबर मिली। खबर सरकारी स्कूल रे भी कमिबो बस्तानी बोझ घरे स्कूल पर सरकारी स्कूल रे हबो अधिक ओजन ब्यागर जांच कड़ाकड़ी एने गणशिक्षा विभाग पक्षर निष्पत्ति नियाजाइथिबार खबर मिली। एवं सरकारी स्कूल रो छात्र छात्री माने अधिक ओजन ब्याग धरी स्कूल जाइपारे ना बोली खबर मिली। शेष हम दीर्घ दिन अपेक्षा पुणी थे प्रकाश पाइब ओडिया वर्णबोध डिसेंबर 30 तारीख सुधा यह प्रकाश करने नवीन सरकार लक्ष्य रखिथार खबर मिली। भक्त कवि मधुसूदन राव द्वारा लिखित मूल वर्णबोध को अविकल मुद्रण करने अनुमोदन देते मुख्यमंत्री नवीन पटनायक खबर मिली। परवर्ती खबर भारतीय सेनार शक्ति बढ़िया जाऊँगी मोदी अध्यक्षत बसी बैठक सेनापाई 140 टी अटाक हेलिकप्टर किणवाई मंजूरी मिली। एथिपाई सरकार 45,000 कोटी टंका खर्च करे फल पाकिस्तान चीन अपेक्षा भारत आहरी शक्तिशाली हम बोली खबर मिली। खबर मेट्रिक सर्टिफिकेट्रु जन्म तारिखर प्रमाण मिले आवश्यक ना डीएनए टेस्ट एने हाइकोर्ट गुरुत्वपूर्ण राय देथिबार खबर मिली। अर्थात जो छात्र छात्री मेट्रिक सर्टिफिकेट रे जन्म तारिख रही डीएनए टेस्ट करने आवश्यकता ना बोली हाइकोर्ट राय देथिबार खबर मिली। खबर ग्राहकों पर एलआईसी आरंभ कर फिनटेक सेवा घरे बसी पाइबे सब सुविधा विशेषकर पॉलिसी किनी पारिबे प्रीमियम भरी पारिबे एवं अन्य सेवा गुड़िकर लाभ आपण मध्य उठाई पारिबे सेथिपई एलआईसी फिनटेक सेवा आरंभ करिबे बोली खबर मिली। एहाद्वारा आपण घरे बसी एलआईसी रो सब काम करिपारिबे बोली खबर मिली। खबर ओडिशा को पुणी बात्या भय आंडमान सागर रे लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होईछि 29 तारीख बेळकु एहा अवपातर रूप नेबो तबे परवर्ती 48 घंटा भितरे बात्यार रूप नेबो बोली पाणीपाग केन्द्र सूचना देछि। एही बात्या आंध्र किंबा ओडिशा रे लैंडफॉल करि पारे बोली विभिन्न पाणीपाग केन्द्र सूचना देछंती। एहारी प्रभाव रे ओडिशा रे प्रबल वर्षा सह पवन रो वेग वृद्धि पाइबो बोली खबर मिलिछि। सरकार जो परिवार आय वार्षिक 1,80,000 रु कम रहिछि सेही परिवार महिला छात्री मानकु कॉलेज रे मागणा शिक्षादान प्रदान करने घोषणा करिछंती। आसंता शिक्षा वर्षरु एही नियम लागू हबो बोली खबर मिली। परवर्ती खबर संसदर शीतकालीन अधिवेशन डिसेंबर 4 तारीख रु आरंभ हबो ओ 22 तारीख पर्यंत चलिबो सरकारक पक्षरु सूचना दिया जाइछि। एहा पूर्वरु डिसेंबर 2 तारीख रे सर्वदलीय बैठक डका जाइथिबार खबर मिली। एही अधिवेशन रे तीनोटी गुरुत्वपूर्ण बिल पारित हबो बोली जाना पड़ी। खबर ओडिशा रे आज 450 टंका बढ़ला सुना दाम फल 22 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम प्रति 57,000 टंका थिबा बेले 24 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम प्रति 62,230 टंका रे पहुंच दिबार खबर मिली। खबर भारतर नागरिक मानक पई खुशी खबर मलेशिया जिबाकु हेले लागिबनी भिसा मलेशिया भिसा मुक्त प्रवेश आरंभ करिवो। अर्थात वर्तमान भारतीय लोक को मलेशिया जीवा पई आउ भिसा दरकार पड़िबो नाही बोली खबर मिली। खबर सृष्टि होइछि लघुचाप प्रभाव रे ओडिशा रो किछि जिला रे आज प्रबल वर्षा हबो एने पाणीपाग केन्द्र रो सूचना दिया जाइछि। विशेष करि आज कोरापुट बलांगीर नवरंगपुर रायगड़ा गजपति कलाहांडी कंधमाल ओ नुआपड़ा जिलार केतक अंशे प्रबल रु अति प्रबल वर्षा हबो बोली खबर मिली। खबर नागरिकता संशोधन आईन मार्च मास रे लागू करिवे मोदी सरकार सेबडे नागरिकता आईन अनुजाई बेआईनी प्रवासी माने भारतर नागरिकता पाई पारिबे नाही एने केन्द्र सरकार मार्च मास रे एही नियम सारा देश रे लागू करिवे बोली खबर मिली। तो जेउ माने बिना पासपोर्ट किंबा भिसा रे भारत रे
प्रवेश करुछंती सेमानकु बेआईनी प्रवासी कहाजिव बोली केन्द्र सरकार नुआ नियम मार्च मासरे लागू करिवे बोली खबर मिलिछि। ती खबर टनेल ट्राजेडी बाहरिला अगरमसिनी 30 मीटर खनन शेष होइछि। मैनुअल ड्रिलिंग आरंभ होइथिबार खबर मिलिछि। अगरमसिनी बाहर कराजिबा परे आगे चलिछि खनन। 88 मीटर ड्रिलिंग पई आहुरी 4 दिन समय लागिव बोली खबर मिलिछि। अर्थात 41 जन श्रमिक को उद्धार करने आहरी 4 दिन लगे खबर मिली। खबर तेलंगानार विभिन्न राली को संबोधित करिसेंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मोदी एक बड़ दाबी करिसेंती तेलंगानार मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव बीजेपी सह मेंट करने को चाहूँ किंतु आमे यहाँ देलुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राली रे लोक संबोधित कर खबर मिली। खबर बीजेडी सामिल होगा पर तारा तारिणी पीठ से पहुंची वीके पांड्यान माँ को दर्शन कर नवीन पटनायक निर्देश क्रमे तारा तारिणी पीठ से पहुंची वीके पांड्यान बोली खबर मिली। खबर आज पूरी रत्न भंडार लेजर स्कानिंग आरंभ हो। बाहर पट कांथर प्रथम स्कानिंग फाट एवं अनान्य समस्या को समीक्षा करा पार्श्व देवादेवी मंदिर को स्कानिंग बोली खबर मिली। खबर गत 15 वर्ष धरी भारत में सिगरेट टाणुवा लोकों पर सिगरेट मूल्य प्राय 250% वृद्धि पाई। सहित आगामी दिन में सिगरेट मूल्य आहरी वृद्धि पावी सरकार संकेत दे खबर मिली। परवर्ती खबर अस्ट्रेलिया कर बा मर परिस्थित कारण भारत ऑस्ट्रेलिया मध्यरे आज तृतीय T20 मैच खेल। एही मैच रे भारत विजयी हेले सीरीज विजय करिव तेणु आज मैच ऑस्ट्रेलिया पाई बेस गुरुत्वपूर्ण बोली खबर मिली। खबर इजराइल और हमास युद्धर अस्त्रविरती बुझामणा प्रचार तृतीय दिन में 18 जन पणबंदी मुक्ति होती। मुक्त होता पणबंदी 13 जन इजराइली नागरिक 5 जन अन्य देशर नागरिक रही खबर मिली। परवर्ती खबर नुआ दिल्लीर प्रगति मैदान में केन्द्र सरकार पक्षर आयोजित भारत अंतर्जातीय वाणिज्य मेला ओडिशा को मिली स्वर्ण पदक। देशर समस्त राज्य और केन्द्रशासित अंचल तथा विभिन्न मंत्रालय एथिरे अंशग्रहण करशार पेविलियन को मिली स्वर्ण पदक बोली खबर मिली। परवर्ती खबर आरंभ होती ऐतिहासिक प्रसिद्ध बालीजात्रा कार्तिक पूर्णिमा अवसर में यह बालीजात्रा आरंभ होता बेले 8 दिन पर्यंत कटक बालीजात्रा चलो बोली खबर मिली। ती खबर महिला मानक मिल 5 रु 10 हजार टंका आसला खुशी खबर। सेबड़े जदि आपणकर जनधन अकाउंट अच्छी आपण को मिल बड़ भेटी। केन्द्र सरकार एवं जनधन अकाउंट धारी बड़ घोषणा करो मानकर जनधन अकाउंट 6 मासर अधिक पुराणा रही जनधन अकाउंट रे 5 रु 10 हजार टंका प्रदान ओवरड्राफ्ट हिसाब से मैंने निजर जनधन अकाउंट रे 5 रु 10 हजार टंका उठाई पारे केन्द्र सरकार घोषणा कर खबर मिली। परवर्ती खबर मो घर योजना को नहीं आसला खुशी खबर। 30 तारीख में मिलवाक जाऊँगी मो घर योजन टंका। गोटे पटे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक गरीब लोकों स्वप्नर घर निर्माण करने मो घर योजना आरंभ करते प्रथम ग्रामांचल हिताधिकारी मानू मो घर योजन सामिल करांचल हिताधिकारी मो घर योजन सामिल कर खबर मिली। एभली स्थित ग्रामांचल मो घर योजनार हिताधिकारी प्रथम पर्यायर ऋण टंका मिलता बेले आसंता 30 तारीख में मो घर योजन ऋण टंका प्रदान करे सरकार बोली खबर मिली। जो मानक प्रथम पर्यायर मो घर टंका मिली से द्वितीय पर्यायर 30 तारीख में मो घर टंका मिल बैंक पक्षर सूचना दि जाइवर खबर मिली। आप फीडबैक निश्चय देवे आपण को मो घर योजनार प्रथम किस्ती टंका मिली कि ना। परवर्ती खबर धान अमल बेलू भय बढ़ाई बात्या दक्षिण आंडमान सगर पार्श्वर्ती अंचल सृष्टि लघुचाप। यही लघुचापटी बात्यार रूप नेब फलरे चासी भाई को बड़ झटका लगवाक जाऊँगी। एवं चासी भाई माने धान अमल करुथिबारु वर्षा हबो तेणु चासी भाई माने अधिक क्षतिग्रस्त हेबे बोली खबर मिली। ता सहित आज ओडिशार किछि जिल्लारे वर्षार परिमाण वृद्धि पाइबो बोली खबर मिली। परवर्ती खबर पारादीपे होता बोईत बंदाण कार्यक्रम सरिया परे दिल्ली फेरीगले महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। पवित्र कार्तिक पूर्णिमा
ପାରାଦୀପରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବ। ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ଏବେ ଛାଡ଼ି ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିର୍ବାଚନ ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟ ହରାଇପାରନ୍ତି, ପୁଞ୍ଜିଗତ ଖର୍ଚ୍ଚ 35% ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସେପଟେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ରାଜସ୍ୱ ହ୍ରାସ ପାଇବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପାଖାପାଖି ରାଜ୍ୟମାନେ 35% ନିଜର ରାଜସ୍ୱ ହରାଇବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଗତ ସପ୍ତାହର ମହାପୁରୁଷ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହି ସପ୍ତାହର ଯୁଗ ପୁରୁଷ। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଗଦୀପ ଧନଖଣ୍ଡ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଖାତା ଅଛି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏହାର ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଦେଇଛି ବଡ଼ ଉପହାର। ବ୍ୟାଙ୍କ FD ଉପରେ ସୁଧହାର ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ 2 କୋଟିରୁ କମ FD ଉପରେ ସୁଧହାରକୁ 3.25 ରୁ 7 କୋଟିରୁ କମ FD ଉପରେ ସୁଧହାରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ଫଳରେ ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯେଉଁମାନେ ଫିକ୍ସଡ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏବେ 0.05% ଅଧିକ ସୁଧ ମିଳିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଏ ଖବର, ଚୀନରେ ନିମୋନିଆ ବିସ୍ଫୋରଣ। ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟକୁ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଗୋଟିଏ ପଡ଼େ ଉତ୍ତର ଚୀନରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଶ୍ୱାସଜନିତ ରୋଗ। ବିଶେଷ କରି ପିଲାମାନଙ୍କଠାରେ ଶ୍ୱାସରୋଗ ବିସ୍ତାରିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାକୁ ରିପୋର୍ଟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ଏହି ଖବର, ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିବ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର, ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ସେପଟେ ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ 13.9 ଲକ୍ଷ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଉନ୍ନୀତ କରାଯିବ। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ଏହି ଖବର, ସୁମାନ ଗିଲ୍ଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ କଲା ଗୁଜୁରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ। ମୁମ୍ବାଇରେ ସାମିଲ ହେବେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡିଆ। ଏବେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡିଆ ଗୁଜୁରାଟ ଛାଡ଼ି ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସରେ ସାମିଲ ହେବେ। ତେଣୁ ଭାରତର ଷ୍ଟାର୍ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ସୁମନ ଗିଲ୍ଙ୍କୁ ଗୁଜୁରାଟର ଅଧିନାୟକ ପଦ ଦିଆଯାଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ଏହି ଖବର, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ, କାରଣ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ବିଜେଡ଼ିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବେ ବୋଲି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କହୁଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶ୍ରୀଜୁଙ୍କ ସୁନାବେଶ ଦେଖିଲେ 1 ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ସେପଟେ ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ସୁନାବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ ଶ୍ରୀଜୁ। ରାତିସାରା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସହ ପ୍ରାୟ 1 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ଶ୍ରୀଜୁଙ୍କ ସୁନାବେଶ ଦେଖିଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ସେପଟେ ତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରଣୀରେ ଡଙ୍ଗା ଦେଇ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ଉଦ୍ଯାପନ କଲେ ହବିଷିଆଳି। ମହୋଦଧିରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବୁଡ଼ ଦେଇ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇଥିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ସେୟାର କରିବେ ସମସ୍ତେ। ଆଜି ଦିନର ସବୁକିଛି ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିପାରିବେ।